नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका होरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है होल बेसिस सिस्टम एंड शार्प बेसिस सिस्टम। इसके पहले मैंने भी बताया आपको कि अगर आपको डिफरेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डायग्राम याद रख लो। और होल बेसिस सिस्टम और शार्प बेसिस का सिस्टम का दोनों भी डिस्क्रिप्टिव जो पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में आते हुए मैंने वो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, और इसके बाद मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ। अगर आपको होल बेसिस और शार्प बेसिस सिस्टम अच्छे से समझ के लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और ऊपर आई बटन में आपको मैं उनका लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिए, फिर ये डिफरेंस जो है वो डिफरेंस की तरफ जाएंगे अपन। तो पहले देखता है यहाँ पे कि डायग्राम कैसी है होल बेसिस सिस्टम और शार्प बेसिस सिस्टम की डायग्राम। होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, एक होल होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में होल का एक अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। फिर इसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स के शाफ्ट आते हैं, जैसे अभी ये शाफ्ट बनाया मैंने यहाँ पे, शाफ्ट का अपर, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो ये क्या है कि ये क्लियरेंस फिट हो गया आपका। उसके बाद अगर आपको ट्रांजिशन फिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करके उसको शाफ्ट बनाना पड़ेगा, तो आपका वो क्या होगा, ट्रांजिशन फिट होगा। और इंटरफेरेंस फिट में क्या करना पड़ता है कि होल का जो अपर लिमिट है उसके ऊपर डायग्राम, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके आपको शाफ्ट बनाना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो आपका इंटरफेरेंस फिट होगा, ठीक है। और होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, एक शाफ्ट रहेगा आपका जिसका एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है। फिर आपको यहाँ पे क्लियरेंस फिट ऑब्टेन करना है शाफ्ट बेसिस सिस्टम में, तो क्या होता है कि शाफ्ट साइज केप कांस्टेंट एंड होल साइज आर वेरी टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट। ये कौन सा फिट हो गया, यहाँ पे इतना गैप है, क्लियरेंस है, तो ये क्या हो गया आपका, क्लियरेंस फिट हो गया। उसके बाद इंटरफेरेंस फिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक ये बनाओ तो, और उसके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करो और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करो, ये क्या होगा आपका, इंटरफेरेंस फिट हो गया। सेम वैसे ही आपको अगर ट्रांजिशन फिट बनाना है तो यहाँ पे ऐसे एक होल बनाओ और इसके ये होल के अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये हो गया इंटरफेरेंस फिट। ये ऐसा है। और फिर अगर आपको अभी मेन चलते डिफरेंस की तरफ, डिफरेंस कैसे बनाना है, डिफरेंस के लिए एक एक पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। होल बेसिस सिस्टम, शार्प बेसिस सिस्टम, डायग्राम को ऐसे ही लगते हैं। पहला पॉइंट है लोअर डेविएशन ज़ीरो। लोअर डेविएशन ज़ीरो मतलब क्या कि होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, जो होल होता है उसका ये जो लोअर लिमिट होता है ये क्या होता है आपका, बेसिक साइज होता है। और शार्प बेसिस सिस्टम में क्या होता है, आपका शाफ्ट का जो अपर डेविएशन है, मतलब जो अपर लिमिट है, उसको ये बेसिक साइज कंसिडर करके सिस्टम को बनाते हैं। उसके बाद लिमिट ऑन होल केप्ड कांस्टेंट, जैसे आप देख रहे हो कि ये सिस्टम में अगर आपको ये होल के साथ अगर ये शाफ्ट का कॉम्बिनेशन करना है, ये शाफ्ट का कॉम्बिनेशन करना है, तो क्या हो रहा है, तो क्या होता है कि होल साइज आर केप्ड कांस्टेंट, होल साइज चेंज नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिट ऑब्टेन करने के लिए आपने तीन अलग अलग शाफ्ट बनाए लेकिन होल को आपने, होल के साइजेस को टच भी नहीं किया है। वैसे सेम यहाँ पे शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि शाफ्ट साइज केप्ड कांस्टेंट एंड होल साइज आर वेरी टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ फिट। यूज इन मास प्रोडक्शन, जैसे अभी ये पॉइंट है कि ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है कि होल बेसिस सिस्टम मास प्रोडक्शन में क्यों यूज़ होता है, ये आपको एग्जाम में चार मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो इसका बेसिकली क्या है कि मास प्रोडक्शन के लिए आप अगर ये शाफ्ट को आपको साइज कम ज़्यादा करना है तो आप क्या करते हो, उसको टर्निंग करते हो, टर्निंग करके उसका साइज कम कर सकते हो, ग्राइंडिंग करके उसका साइज कम कर सकते हो। ये इजी है, शाफ्ट का साइजेस कम ज़्यादा करना इजी है, लेकिन होल का कैसा होता है, होल के जो होल अगर आपको बनाना है किसी जॉब में तो क्या होता है, उसके लिए ड्रिल यूज़ होता है, ड्रिल यूज़ होता है या रीमर यूज़ होता है। तो ये ड्रिल और रीमर के साइजेस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब अगर आपका ड्रिल अगर 6 mm का है उसके बाद आपकी नेक्स्ट साइज़ क्या रहेगी, 6.5 रहेगी। और आप ऐसा बोलोगे कि मुझे 6.3 का ड्रिल करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है कि ये जो होल बेसिस सिस्टम है मोस्टली शार्प मास प्रोडक्शन में यूज़ होती है, शार्प बेसिस सिस्टम यूज़ नहीं होती है। इसके बाद
इजी टू वेरी शाफ्ट साइज, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि टर्निंग ग्राइंडिंग करके आप शाफ्ट साइज कम कर सकते हो, लेकिन होल का वैसे नहीं रहता है। होल का आपको जो स्टैंडर्ड साइज है उसके हिसाब से आपको ड्रिल करना पड़ता है। डिफ़िकल्ट टू वेरी होल साइज। उसके बाद लेग्स कैपिटल एंड स्टोरेज, मैंने जैसे पहले भी बताया कि कंसिडर कर लो ये जो डायग्राम बनाई है मैंने, ये 10 mm का होल है यहाँ पे, और ये जो शाफ्ट साइज़ है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो टर्निंग या ग्राइंडिंग पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाली एक ही ड्रिल बिट लेना पड़ेगा 10 mm का। तो आपका कॉस्ट कितना गया, एक ही ड्रिल बिट का गया, और स्टोरेज के लिए आपको जगह भी एक ही ड्रिल बिट की लगेगी। लेकिन अगर सेम मैंने सब जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम मैंने मेरे शॉप में अप्लाई किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ये जो ड्रिल है ये क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 mm का लेना पड़ेगा, ये 10 mm का, ये 9.5 का, और ये क्या करना पड़ेगा मुझे 9 का लेना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए क्या हो गया, तीन ड्रिल बिट मुझे लगे, जिनके अलग अलग मुझे पैसे ये करने पड़े, और उनके लिए तीनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग स्टोरेज स्पेस बनाना पड़ेगा। ऐसा ही इसका डिफरेंस है। गेजिंग इज ईजी, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आपको बताता हूँ कि गेजिंग इज ईजी क्या होता है। कंसिडर कर लो कि शाफ्ट आपको मेजर करना है, ये शाफ्ट है, इसको आपका इसका साइज़ चेक करना है, तो आप इसका साइज़ इजीली वर्नियर माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हो। लेकिन अगर वही कंसिडर करो, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक के अंदर ये होल है, ये होल का अंदर का डायमीटर मेजर करने के लिए आपको अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगता है, कि जो इजीली कोई ये नहीं कर सकता, नहीं तो फिर आप कंपैरेटर से चेक कर रहे हो, न्यूमेटिक कंपैरेटर से। तो क्या होगा, आपको एक 10 mm का गेजिंग हेड बनाना पड़ेगा, एक 9.5 का बनाना पड़ेगा, और एक 9 का बनाना पड़ेगा। तो मतलब तीन गेजिंग हेड लगे, तो आपके तीनों की भी आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उसकी। गेजिंग इज नॉट ईजी। ये जो होल बेसिस सिस्टम है इसको क्या करते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या करते हैं, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप क्या कीजिए कि ये जो पॉइंट्स है उसको मेन पॉइंट्स ध्यान रखिए, जैसे लोअर डेविएशन जीरो, अपर डेविएशन जीरो। मतलब क्या कि होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा एक होल यूज़ होता है जिसका लोअर डेविएशन ही उसका बेसिक साइज होता है। अपर डेविएशन शाफ्ट बेसिस में क्या होता है, एक ऐसा शाफ्ट यूज़ होता है जिसका अपर डेविएशन जीरो होता है। बाद में फिर आप डायग्राम के हिसाब से भी उसको लिख सकते हो। थैंक यू।